नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं विदेना झा। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई सबसे नई कहानी की। एनआईए लगातार इस केस की जांच में जुटी हुई है और इस बीच मूसेवाला की सबसे करीबी दोस्त और मुंहबोली बहन से पूछताछ की गई है। क्या क्या पूछा गया और मूसेवाला की दोस्त ने एनआईए को क्या बताया, विस्तार से आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। इसके साथ ही लोकतंत्र में आज बात करेंगे खोखले खालिस्तानी वर्सेस असली और पक्के हिंदुस्तानी की। कनाडा में दिवाली के दौरान जो हुआ और जिस तरह से हिंदुस्तानी लड़कों ने खालिस्तानियों को जवाब दिया, उसे लेकर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद बात करेंगे बिहार की, जहां पर प्यार करना एक दलित लड़के को किस तरह से भारी पड़ गया और कैसे दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने उसे टारगेट किया और वो सब करने को कहा जिसे तालिबानी सजा कहते हैं। फिर स्पेशल रिपोर्ट में चुनावी स्पेशल शो जोड़ी बुलेट वाली, जिसमें आज गांधीनगर का हाल आपको बताएंगे। तो लोकतंत्र में सबसे पहले बात सिद्धू मूसेवाला की करते हैं। मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में अभी भी पुलिस और जांच एजेंसियां एक के बाद एक कई बातें कर रही है, कई खुलासे कर रही है। मूसेवाला की करीबी दोस्त और मुंहबोली बहन से एनआईए ने इसी सिलसिले में घंटों तक पूछताछ की है। साथ ही ये जानने की कोशिश हुई है कि आखिर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर गैंगस्टर क्यों वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे मूसेवाला को टारगेट किया गया और इन सारी बातों का असली सच क्या है। हमारी इस रिपोर्ट में आप जानेंगे कि आखिर एनआईए ने मूसेवाला के सबसे करीबी दोस्त को क्यों बुलाया और मूसेवाला की मुंहबोली बहन की जुबानी क्या है पूछताछ की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री का नया अफसाना। मूसेवाला के करीबी दोस्त का नया खुलासा। सिंगर और गैंगस्टर के रिलेशन का अधूरा सच। मुंहबोली बहन का मूसेवाला मर्डर से कैसा कनेक्शन। वो मूसेवाला को भाई मानती थी, वो मूसेवाला को सबसे अच्छी दोस्त बताती थी, वो मूसेवाला के आखिरी गीत में को सिंगर भी थी, वो मूसेवाला के सबसे करीब थी। अब उसके ऊपर ही मूसेवाला मर्डर मिस्ट्री में शक की सुई बार बार घूमकर पहुंच जा रही है। सिंगर और मूसेवाला की दोस्त अफसाना खान से एनआईए ने एक साथ गैंग, गैंगस्टर और म्यूजिक इंडस्ट्री से उनके संबंधों के बारे में विस्तार से पूछ लिया है। सिद्धू मूसेवाला केस में अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पंजाब के उन बड़े सिंगरों से भी पूछताछ कर रही है जिनके नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कई बार सुर्खियों में आते हैं। आप देख सकते हैं अफसाना खान, जो सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन भी कही जाती थी और उन्होंने राखी भी बांधी थी सिद्धू मूसेवाला को, अभी वो एनआईए के हेडक्वार्टर से यहां से निकल रही हैं। अफसाना को मंगलवार की सुबह तकरीबन 10 बजे यहां बुलाया गया था और उसके बाद से अफसाना तकरीबन 7 से 8 घंटे तक यहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे उनसे एनआईए ने पूछताछ की। ये काफी बड़ी मेजर डेवलपमेंट है क्योंकि पंजाब से जुड़े जितने बड़े फिल्मी कलाकार और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे भी एनआईए पूछताछ कर रही है। इससे पहले ही एनआईए ने कई ऐसे गैंगस्टर्स जिनके खिलाफ कई एजेंसियों ने मुकदमा दर्ज कर रखा था उनसे भी उनके मामले में छानबीन की, कई जगह छापेमारी भी की, लेकिन इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट है। जब सिद्धू मूसेवाला की मुंह बोली बहन अफसाना खान को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अब यहां पे तलब किया था और तकरीबन 7 से 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि उनका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला ने मरने के कुछ ही दिन पहले यह बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अफसाना खान को एनआईए ने उस वक्त में पूछताछ के लिए बुलाया जब इससे पहले कई गैंगस्टरों के घर जांच एजेंसियों ने छापेमारी करके कई सबूत जुटा लिए हैं। अब एनआईए ने अफसाना से सबसे पहले मूसेवाला से उनके संबंध को लेकर सवाल पूछे। सिद्धू मूसेवाला से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? मूसेवाला के साथ कितने एल्बम में आपने काम किया है? क्या मूसेवाला अपनी पर्सनल बातें बताता था? धमकी की बात मूसेवाला ने आपको बताई थी?
धमकी मिलने के बाद मूसेवाला को आपने क्या कहा? भाई सिद्धू नाल तुसी कदों तो टच तो आए हो, कदों दा तुहाडा प्यार सीगा, तुसी किन्ने गाने कीते आ, तुहाडे होर केड़े प्रोजेक्ट आने आ, केड़े चैनल तो गाना आया सी धक्का, मतलब आ चीजा होईयां। तुसी कह रहे हो कि अफसाना दा लिंक, अफसाना ने मरवाता भरा जिहनूं भरा दसदी सी। सिद्धू मूसेवाला भाई मैनूं इदां प्यार करदा सी, इक सिस्टर ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਧੀ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਕੋ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਮੈਂ ਅਫਸਾਨਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਕੀ ਐਨਆਈਏ ਰੇਡ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਾਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਰਡਾਰ ਪਰ ਆਇਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬੜਨੇ ਲਗਾ। खबर तो ये भी है कि एनआईए के पास इस बात के भी सबूत हैं कि बम्बिहा गैंग के साथ अफसाना के कनेक्शन हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस बात को लेकर पहले से ही दावे हैं कि कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में दखल देना चाहते हैं, बंदूक के बल पर सिंगर से गाना गाने को कहते हैं। शायद इसीलिए अफसाना से एनआईए ने इससे जुड़े कई सवाल भी पूछे। बम्बिहा गैंग के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? गोल्डी बराड़ के भाई ने आपको गाना गाने का ऑफर दिया था, गोल्डी के भाई ने गाने के बदले पैसे देने से इनकार किया, गोल्डी के भाई की सारी बातें आपने मूसेवाला को बताई थी, बम्बिहा गैंग ने गुरुलाल बराड़ को धमकी दी थी, मूसेवाला की हत्या के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री पर कैसा असर पड़ा? एनआईए का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि पंजाब में उभर रही म्यूजिक इंडस्ट्री के पीछे वर्चस्व की लड़ाई जोरों पर है, जिसमें गैंगस्टर का भी बड़ा रोल है, और इसीलिए ये सवाल अफसाना से पूछे गए हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए गैंग और गैंग से जुड़े गैंगस्टर धमकियों का खुला खेल खेल रहे हैं, और इस सब के पीछे का मकसद है 10,000 करोड़ रुपए की सालाना कमाई। मूसेवाला की हत्या के बाद और भी कई गायकों को धमकी मिली है। मनकीरत तौलक, परमीश वर्मा, गिप्पी ग्रेवाल, अमर सिंह चमकीला, इसके अलावा और भी कई गायक हैं जो कभी इन गैंगस्टर के डर से खुलकर पुलिस को बता भी नहीं पाए कि उन्हें धमकियां मिल रही है। अब इस पूरे नेक्सस को एनआईए डिकोड करना चाहती है। म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टरों की कितनी दखल है? म्यूजिक इंडस्ट्री में गैंगस्टरों की मदद कौन करता है? गैंगस्टरों के संपर्क में अभी कितने पंजाबी सिंह? झूठियां अफवाहां, एदा अफसाना दा लिंक एदे नाल सी, गैंगस्टरां नाल सी, एदे नाल सी, ओदे नाल सी, इहने आ काम क्यों कर लिया, हुण इहने आ क्यों कर लिया, ओह क्यों कर लिया। चार महीनों बाद जे मैं बंदा दुख तो हौली हौली निकलदा ही है, जे सैट होण लग गई, जे खुश होण लग गई, तां की हो गया? मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक साथ कई बातों की तहकीकात में जुटी है। इधर मूसेवाला कांड में पंजाब और दिल्ली की पुलिस ने करीब एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और अब सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई और लोगों को भी एनआईए पूछताछ के लिए बुला सकती है। दिल्ली से प्रियांक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अफसाना को आपने सुना, लेकिन अफसाना ने क्या कहा है वो आपको हम तफसील से और अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं। अफसाना ने इंस्टाग्राम लाइव में अपनी बात रखी है। उसने कहा है कि मुझे खुशी है कि एनआईए ने मुझसे पूछताछ की है, मुझसे जो पूछा गया वो मुझे, एनआईए और मेरे रब को मालूम है। मूसेवाला केस की जांच सच्ची एजेंसी के पास पहुंची है। मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ जरूर मिलेगा। सिद्धू मूसेवाला मेरा भाई था और हमेशा रहेगा। कनाडा में एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने शर्मनाक हरकत की है। उन्होंने दिवाली के उत्सव में खलल तो डाला ही, खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। हालांकि भारतीयों ने खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, साथ ही जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कनाडा में पल रही भारत विरोधी ताकतों पर एक्शन कब होगा? बीच सड़क पर हंगामा, जय श्री राम के नारे, ये मुंहतोड़ जवाब है उन खालिस्तानियों को जो कनाडा में बैठकर भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश पाले हुए हैं।
जिन्हें हिंदू त्योहार और हिंदुओं से इतनी चिढ़ है कि उन्हें दिवाली का उत्सव बर्दाश्त नहीं हुआ और पहुंच गए खलल डालने। लेकिन मौके पर मौजूद भारतीय वहां डटे रहे और खालिस्तानियों की नारेबाजी का भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से जवाब दिया। तस्वीरें कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन की है, जहां भारतीय समुदाय के लोग 24 अक्टूबर की रात को दिवाली उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसी बीच अचानक खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय समुदाय के लोगों ने उसी दौरान मौके पर ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया। कनाडा में बैठे खालिस्तानी अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वे भारत के टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर उनकी नापाक साजिश को कभी न कभी सिख कम्युनिटी का समर्थन मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, इस तस्वीर को देखिए। हाथ में तिरंगा लिए खड़ा ये सिख शख्स ऑन द स्पॉट ही खालिस्तानियों को जवाब दे रहा है कि हमारी एकता अखंडता से दूर ही रहना। रही बची कसर, पास खड़े लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा कर दी। छोटा नंबर है जो खालिस्तान की बात करता है। खालिस्तान की बात इनको अगर आप देखें, जो ये लोग वहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे तो हंस रहे थे, छोटे छोटी उम्र के लड़के, उनको पता ही नहीं खालिस्तान क्या मांग रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर है। सो मैं समझता हूँ भी ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर ये सिख लोगों को बदनाम करने की ये जो करते हैं, इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। सारे फेस्टिवल्स की इज्जतमान होनी चाहिए। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, सारे हिंदू भाई मुस्लिम क्रिश्चियन सब मनाते हैं। हाथ में तिरंगा और भगवा झंडों के साथ भारतीय समुदाय ने खालिस्तानियों को खदेड़ दिया। इस दौरान हालत काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे माहौल को संभाला। लेकिन इस तरह का वाकया सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर कनाडा की सरकार इन खालिस्तानियों पर लगाम कब कसेगी। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले खालिस्तानियों चरमपंथियों ने ब्रैम्पटन के स्वामी नारायण मंदिर जैसे कई मंदिरों में तोड़फोड़ की थी और इस घटना को लेकर कनाडा पुलिस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी संगठनों ने 6 नवंबर को खालिस्तान पर जनसंग्रह कराने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर भारत सरकार पहले ही आपत्ति जता चुकी है। जनमत संग्रह पर भारत ने कहा था, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है और इस जनमत संग्रह के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से धन उगाही की जा रही है। हालांकि कनाडा सरकार ने 16 सितंबर को भारत सरकार की इस आपत्ति पर कहा था कि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करती है और इस जनमत संग्रह की अनुमति नहीं देती। इसके बावजूद 18 सितंबर को ओंटारियो के ब्रैम्पटन में भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट का जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। ये जनमत संग्रह एक निजी कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, जिस पर टूडो ने सफाई देते हुए कहा था कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब कनाडा की सरकार भारत की एकता अखंडता के खिलाफ जहर बांट रहे खालिस्तानियों पर एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बात बिहार की, जहां समस्तीपुर में एक दलित लड़के के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने जो किया वो तालिबानी सजा से कम नहीं है। लड़के का गुनाह था कि उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गया और किसी दिन उसकी बाइक पर लड़की के घर वालों ने उसे देख लिया। हमारी रिपोर्ट आपको यह बताएगी कि एक मौलाना ने कैसे दलित लड़के के खिलाफ ना सिर्फ तालिबानी सजा सुनाई बल्कि वो सब किया जिसे सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता।
ये तस्वीर सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। ये तस्वीर कानून व्यवस्था के कचूमर निकाल दिए जाने का सबूत है। ये तस्वीर बिहार में सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ जाने की गवाही है और ये तस्वीर पुलिस प्रशासन को किनारे रखकर खुद ही ऑन द स्पॉट फैसला कर देने वालों की कहानी। बिहार के समस्तीपुर से वायरल इस वीडियो में एक दलित लड़के को जबरन कुछ लोग थूक चाटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लड़के के ऊपर आरोप कि वो असल में किसी एक लड़की से प्यार करता था। बस यही बात लड़की के परिवार और समाज के लोगों को अच्छी नहीं लगी। कहा जा रहा है कि विभूतिपुर थाना के गांव चक हबीब की रहने वाली लड़की से लड़के का अफेयर था। घटना के दिन लड़की बाइक से अपने बॉयफ्रेंड के साथ गांव में घूम रही थी। इसी दौरान भीड़ ने लड़के को पकड़ लिया। पहले पिटाई हुई, फिर वो सब करने को कहा गया जिसकी इजाजत ना तो पुलिस देती है और ना ही प्रशासन। दलित लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। युवक की बाइक पर लड़की को कुछ लोगों ने देखा। मुस्लिम लड़की के परिवार वालों ने लड़की को पकड़ा। लड़के को पकड़कर थूक चाटने के लिए कहा गया। मौलाना ने लड़के को थूक चाटने के लिए कई बार कहा। अब इस वीडियो में देखिए कि एक मौलाना कुर्सी पर बैठा है, आसपास अच्छी भीड़ है और बीच में वो दलित लड़का बैठा है। उसे बार बार कहा जा रहा है कि वो थूक कर चाटे। जब ये सब चल रहा था, पंचायत की तरफ से तालिबानी फरमान सुनाया जा रहा था। उस वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे और लगातार अपने मोबाइल में सब कैद कर रहे थे। लेकिन अफसोस, पंचायत में मौजूद सभी लोग तमाशबीन बने रहे। ना तो किसी ने इसका विरोध किया और ना ही किसी ने लड़की को बचाने की कोशिश की। और मौलाना साहब खुद शहंशाह की तरह कुर्सी पर बैठकर कानून को कुचलते रहे। हालांकि टाइम्स ना नवभारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि अब पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच और कार्रवाई की बात जरूर कही, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया। एक युवक को 5 बार थूक चटवाया गया और यह सार्वजनिक रूप से सभी के सामने किया गया। यह किसी के ध्यान में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यह करवाने वाला अल्पसंख्यक समाज से था। बिहार में आज यह स्थिति यह हो गई है कि अल्पसंख्यक समाज किसी भी अनुसूचित जाति पर भी अत्याचार करे तो न बिहार सरकार उस पर कुछ बोलती है, न पुलिस प्रशासन कुछ कहता है। सियासत अपनी जगह, लेकिन बिहार की पुलिस को लेकर कई सवाल जरूर हैं। सवाल ये कि पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की और दोषियों की गिरफ्तारी अब तक शुरू क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। लोकतंत्र में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे म्यांमार मिजोरम बॉर्डर पर बड़ी खबर इस वक्त की क्या है। बड़ी खबर मिजोरम म्यांमार बॉर्डर से है। आतंकी साजिश नाकाम की गई है इस बॉर्डर पर। टीम ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। गोदाम से ये हथियार बरामद हुए हैं। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा म्यांमार से ऑपरेट करता है आतंकी संगठन असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था ये, जिसमें हथियारों को बरामद किया गया है, जब्त किया गया है और 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।